व्यक्ति कैसा करे भोजन की जीवन भर हमेशा स्वस्थ जीवन का मालिक बन सके स्वास्थ्य के निर्माण में सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका होती है तो व्यक्ति के आहार संयम की होती है हम अनादि काल से ये प्रार्थना करते आए हैं सर्वे भवंतु सुखी सर्वे संतु निरामया हमारी प्रार्थनाओं में हमेशा ये गीत गाए जाते रहे हैं सर्वे भवंतु सुखी यानी दुनिया में जितने लोग हैं वे सब सुखी रहें और नंबर दो सर्वे संतु निरामया निरामय का मतलब है सबके सब स्वस्थ रहें सबके सब प्रसन्न रहें सबके सब, रहे, सब, सब आनंदित रहें सबके सब एक बेहतर जीवन के मालिक बन सके प्रश्न ये खड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वे तो सुखी ना आदमी सुखी कैसे हो सकता है और दुनिया में कोई भी व्यक्ति निरामय कैसे हो सकता है निरामय जीवन का मालिक बनने के लिए आरोग्य युक्त जीवन का मालिक बनने के लिए स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे पहली कोई जरूरत होती है तो वो होती है आदमी का भोजन संयमित तो हो आदमी का आहार संयमित तो हो आदमी जो भी पेट में स्वीकार कर रहा है क्योंकि जीवन की शरीर की 90 प्रतिशत बीमारियां उनमें भी 75 परसेंट तो केवल पेट से पैदा होती है और 15 परसेंट दिमाग से पैदा होती है केवल 10 परसेंट बीमारियां हैं जो बाहर के निमित्त से आती है अगर व्यक्ति रोग मुक्त जीवन जीना चाहता है उसे पेट को ठीक रखना पड़ेगा अगर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है उसे स्वस्थ आहार का मालिक बनना पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति चाहता है उसकी नाड़ी किसी डॉक्टर के हाथ में न आए तो इसके लिए जरूरी है उसे अपनी थाली हमेशा अच्छी रखनी पड़ेगी जिसकी थाली अच्छी रहती है जिसकी थाली निरामय रहती है जिसकी थाली पवित्र भोजन से जुड़ी हुई रहती है जिसकी थाली स्वास्थ्यकारी रहती है दुनिया में दो तरह के भोजन होते हैं एक होता है स्वास्थ्यकारी भोजन एक होता है श्रेयकारी भोजन और एक होता है प्रियकारी भोजन जरूरी नहीं है कि जो भोजन हमारे शरीर के लिए साताकारी हो हमारे शरीर में स्वास्थ्य देता हो वो स्वाद में भी अच्छा हो और कई बार ऐसा होता है जब हम स्वाद के चक्कर में कई ऐसे भोजन कर जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारी होता है दो तरह के भोजन होते हैं एक होता है स्वादु भोजन एक होता है साधु भोजन स्वादु भोजन इंसान को हमेशा रोगों की तरफ लेकर जाता है और साधु भोजन उसके शरीर में रहने वाले रोगों का भी नाश कर देता है इसलिए व्यक्ति को स्वादु भोजन के पीछे नहीं जाना चाहिए तय है रसोइयों का जो खाना होता है वो स्वादु भोजन होता है होटलों में जो खाना बनता है इज्जा पिज्जा बर्कर ये सब स्वादु भोजन होता है और वो आजकल वो पैक थैलियों में जो खाना आता है बच्चों के लिए बड़ा स्वादु भोजन होता है पर हम सभी जानते हैं जो जो भोजन स्वादु होता है वो वो भोजन साधु नहीं हो सकता साधु भोजन स्वास्थ्य में हो सकता है स्वाद में हो सकता है थोड़ा सा उन्नीस लगे लेकिन स्वास्थ्य में वो भोजन हमेशा कल्याणकारी होता है कल्पना करो एक और पिज्जा है एक और लौकी का सूप है बच्चे के लिए स्वादु भोजन कौन सा है पर यह भी सोचो साधु भोजन कौन सा है। एक और होटल से बंद कर आया हुआ पिज्जा है जिधर बच्चा ललचा रहा है मैं खाऊं और इधर सामने लौकी का सूप पड़ा है तय है बच्चे को हमेशा स्वादु भोजन अच्छा लगेगा लेकिन जिस दिन व्यक्ति को विवेक जग जाता है वो स्वादु भोजन से हटकर साधु भोजन में आ जाता है इसलिए आपको पता है जब भी व्यक्ति का पेट थोड़ा सा गड़बड़ होता है जब भी कभी लूज मोशन होने शुरू होते हैं जब भी कभी पेट में दर्द होना शुरू होता है जब भी पेट में थोड़ा आफरा आना शुरू होता है जब भी पेट में थोड़ा खिंचाव आना शुरू होता है तो क्या हम दाल बाटी चूरमा टिकाते हैं क्या कहते हैं हम दाल बाटी चूरमा खाओ दाल का हलवा खाओ बादाम की कतलियाँ खाओ क्या खाओ तब हम कहते हैं थोड़ा हल्का फुल्का खा लो ताकि पेट ठीक हो जाएगा यानी पेट को बिगाड़ने का काम करते हैं दाल बाटी चूरमा पेट को बिगाड़ने का काम करते हैं हलवे पेट को बिगाड़ने का, का काम करते हैं तेज तरीदार मिर्च मसाले वाली सब्जियां पेट को बिगाड़ने का काम करते हैं तेज मिर्च मसाले की नमकीन पर पेट को सुधारने का काम करना हो तब हम तिरंत सुधर जाते हैं भैया आज थोड़ी कड़ी खिचड़ी बना देना आज थोड़ी

भोजन करके जो आदमी सोएगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा इसलिए आपने देखा होगा स्वादु भोजन करने वाले अमीर लोग कमरे में एसी चला चला कर हार जाते हैं करवटें बदल बदल कर हार जाते हैं पर नींद नहीं आती और वहीं फुटपाथ पर सड़क पर बैठा हुआ भिखारी सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछा कर अरे मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करते वो जितना खाते उतना हजम करते हैं मानता हूँ दाल बाटी चूरमे पहले भी खाया जाते थे पहले भी घी में डुबो डुबो के खाए जाते थे पर फ़र्क ये था पहले लोग दाल बाटी चूरमा टिकाते थे ना तो दिन भर मेहनत करते थे चार चार मील पैदल जाना हो तो रवाना हो जाते थे अब तो हमें नुक्कड़ से सब्जी लानी है तो मेहनत तो खत्म हो गई और खाने पीने की आइटम और ज्यादा बढ़ते चले गए और इसलिए भोजन जो हमारे शरीर का मूल आधार होना चाहिए था वो हमारे रोगों का कारण बनने लग गया हमारे शास्त्र कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम किसी भी व्यक्ति को अगर धर्म की आराधना करनी है किसी भी व्यक्ति को अगर साधना करनी है किसी भी व्यक्ति को अगर बड़े काम करने हैं तो इसके लिए जरूरी है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शरीर ही वो साधन है जिससे आदमी दूसरों की भलाई कर सकता है जिससे दूसरों का कल्याण कर सकता है जिससे धर्म की आराधना कर सकता है लेकिन ध्यान रखना शरीरम व्याधि मंदिरम लेकिन जब व्यक्ति स्वादु भोजन की तरफ निकल जाता है तो यही शरीर उसके लिए व्याधि का मंदिर बन जाता है आपको मालूम है दुनिया में सात सुख कहे गए हैं अरे भाई पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग लोग तो याद रखा करते थे सात सुख अच्छा होते भी थे उनकी इसलिए याद रखते थे हुँ? वो जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने मानव जाति के लिए एक कल्याणकारी सातों सुखों का निर्माण किया था उनमें सबसे पहला सुख दिया था पहला सुख निरोगी काया पहला यह है कि तुम स्वस्थ रहो क्योंकि जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा और जब तुम्हारा मन स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारा हृदय भी पवित्र रहेगा और जब तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा तो उसमें भगवान का भी बसेरा होगा तो भगवान का बसेरा बनाने के लिए हृदय स्वस्थ होना जरूरी है हृदय को स्वस्थ करने के लिए मन का स्वस्थ होना जरूरी है मन को स्वस्थ करने के लिए तन का स्वस्थ होना जरूरी है इसलिए तो अपन ने सुना है ना जैसो खावे अन्न और वैसो मन आदमी जैसा अन्न खाएगा जैसा भोजन करेगा जैसा आहार लेगा वैसे उसकी मानसिक स्थितियां बनी रहेगी तय मान कर चलो जब हम ज्यादा बड़े पूरे होते हैं माल मलिंदे टिकाते हैं मन में विकार भी ज्यादा पैदा होते हैं मन में असंत असंतोष भी ज्यादा पैदा होता है और हमारे भीतर बीमारियां भी ज्यादा पैदा होती है अनिद्रा भी ज्यादा पैदा होती है लेकिन जब हमारे उपवास है किसी प्रकार का विकार नहीं आता किसी प्रकार का असंतोष नहीं आता मन में बड़ी शांति रहती है पेट बड़ा हल्का फुल्का रहता है वर्षी तप करने वाले किसी भाई बहन से पूछो तो वो कहेंगे साहब जिस दिन उपवास करते हैं ना उस दिन बड़ा अच्छा लगता है हल्का फुल्का रहता है खाना खाते हैं उस दिन थोड़ा भारी भारी हो जाता है मेरे भाई शरीर के लिए भोजन जरूरी है पर उससे पहले जरूरी है, वो भोजन हम कैसा लें? मैंने कहा किसी भी इंसान की सुखी जिंदगी के लिए जो सातों सुख हमारे बड़े बुजुर्गों ने पूरे दुनिया भर को दिए थे और ये सातों सुख मैं आपको बता पहला सुख सुख निरोगी काया, दूसरा गर्मे माया तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र हमारा आज्ञाकारी पांचवा सुख स्वदेश में वासा क्या है पांचवा सुख स्वदेश में वासा छठा दुख राज हो पासा यानी हमारे राजा से हमारी पहचान पूरी हो राजनीतिक या और जो पहचान वो हमारी पूरी हो और सातवा सातों सुख चलो फिर से ध्यान में लो पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख घर में माया तीजा सुख सुलक्षणा नारी चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी पांचवा सुख स्वदेश में वासा छठा सुख राज का पासा और सातवां सुख संतोषी जीवन अब मैं और सुखों को आगे बढ़ा रहा हूं आठवां सुख चलो जीवन में जोड़ते हैं और वो है आठवां सुख चले व्यापार थोड़े अब नए युग के सुख भी हो गए ना पुराने सुख के तो थे पर नए युग है अब इसमें नए सुख चाहिए मोबाइल भी चालू होना चाहिए उसमें डाटा भी होना चाहिए उसमें नेटवर्क भी होना चाहिए बड़े सुख देते हैं ये तो आठवां सुख चले व्यापार और नौवां सुख सबसे हो प्यार दसवां सुख निराकुलता हो मन में ग्यारवा सुख न वैर विरोध हो स्वजन में बारवां सुख मन लगे धर्म में और तेरवा सुख न फंसे किसी भी कुकर्म में न तेरवा सुख क्या है न फंसे किसी भी कुकर्म में चौदवां सुख है सदा हो साधु का समागम और पंद्रवा सुख है सदा रहे शील व्रतधारी और सोलवा सुख है बने अरिहंतों के पुजारी आज जो मैं बातें कह रहा हूं अब आपको वो पहला सुख जीवन में होलसेल में आज में कैसे पा सके अपने आप को निरोगी और स्वस्थ जीवन का मालिक कैसे बना सके आज जो मैं आपको पहला जो सुख दे रहा हूं वो है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ शरीर का मालिक कैसे बन सके क्योंकि जब भी हम गलत भोजन लेते हैं तो शरीर में बीमारी आती है और जब भी हम सात्विक भोजन लेते हैं भोजन के तीन स्वरूप है नंबर एक रित भोजन नंबर दो हित भोजन नंबर तीन मित भोजन आयुर्वेद में मनुष्य के भोजन के लिए तीन प्रक्रियाएं दी गई है नंबर एक रित भोजन यानी भोजन वो लो जो ऋतु के अनुकूल हो जो मौसम के अनुकूल हो अब सर्दी के मौसम में आइसक्रीम शादियों में होती है और गर्मी के मौसम में बादाम का हलवा और बादाम की कतलियां होती है दोनों विपरीत शरीर के लिए जनवरी में जब शादियां हो रही हैं तो आपने देखा होगा क्या होता है जनवरी फरवरी में आइसक्रीम चल रहे हैं और 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 मई जून में बादाम के और बादाम की कतलियां चलने हैं भगवान कहते हैं आयुर्वेद में ज्ञान दिया गया है कि व्यक्ति का भोजन पहली अनिवार्य शर्त है पूछा गया कि व्यक्ति स्वस्थ रहे तो क्या करे किसी ने कहा चन प्रास रोज खाया करो किसी ने कहा अवलेह रोज लिया करो किसी ने कहा त्रिफला रोज लिया करो किसी ने कहा मुलहटी रोज खाया करो किसी ने कहा अमुक औषधि लवण भास्कर चूर्ण रोज लिया करो तो आयुर्वेदाचार्य ने कहा यह सब तो दवाइयां हैं यह आहार थोड़ी है यह तो बीमार होने पर ठीक होने की प्रक्रिया है पर ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे आदमी बीमार ना हो बीमार होने पर दवाई लेना हमारी मजबूरी है बीमार होने पर दवाई लेना हमारी मजबूरी है पर बीमार ना हो इसके लिए अच्छा श्रेष्ठ सात्विक भोजन जीवन के लिए जरूरी है मैं पहली बात कह रहा हूं और वो है रित भोजन कौन सा भोजन हो ऋतु के अनुकूल भोजन हो जब जो मिला तब मत खाइए जो आपके लिए शरीर के लिए अनुकूल रहता है वो खाइए और जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं रहता है अगर आपको पता है कि आपके शरीर में शुगर अनबैलेंस रहता है तो मेरे भाई शुगर अगर हाई रहता है तो अपने आप को कंट्रोल अगर व्यक्ति अपने जबान पर जीववा पर दो तरह का कंट्रोल ले आए ये जीव बड़ी गजब की है तो दो इंच की पर ये बड़ी गजब कमाल कर देती है इसको स्वाद के चक्कर में आदमी पता नहीं क्या 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 दिन भर अटरम पटरम खाता रहता है पर बड़ी बुजुर्गों की कही गई लाइन को हमेशा याद रखना उतरियो घाटी हुयो माटी दो इंच जीव के स्वाद के चक्कर में आदमी पता नहीं कितना स्वादु भोजन करता है पर एक बात तय है दिमाग में लो तो मुंह में डाला आपने बहुत स्वादिष्ट कोई भोजन रसगुल्ला डाला राजभोग डाला पिज्जा डाला मिठाइयाँ डाली बदाम की कतलियाँ डाली और पानी पतासे डाले शादी में गए अस्सी आइटम थे कॉफी डाली दूध डाली थम्सअप मिली तो वो जो मिला सो डाला पर एक बात तय है, है उत्तरीय घाटी ये दो इंच के स्वाद के चक्कर में आदमी अपने पूरे शरीर को बिगाड़ता रहता है पर ये दो इंच पर आदमी अगर संयम कर ले खाने में भी और बोलने में भी ते वाणी इंसान को कभी धोखा नहीं देती मेरे भाई यह जीव बड़ी गजब की है इसके बत्तीस बत्तीस पहरेदार हैं कितने है देखो तो कितने हैं बत्तीस पहरेदार हैं पर सावधान इस जीव का अगर गलत इस्तेमाल किया तो बत्तीस पहरेदारों को बाहर निकला सकती है ना? मैंने इसीलिए कहा कि ये जो जीव है इसका सही इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है पहला हो रित भोजन दिमाग में ले लो पहला भोजन कौन सा ऋत भोजन यानी ऋतु के अनुकूल भोजन करना चाहिए कब बाजरी खाएं कब गेहूँ खाएं कब मक्की खाएं इसका विवेक रखना चाहिए किस मौसम में कौन सी वाली सब्जी खाएं किस वाले मौसम में कौन सी वाली मिठाई खाएं किस मौसम में बादाम पिस्ते खाएं और किस मौसम में इनसे मुक्त होकर जीवन जिए आदमी को इन सब का विवेक रखना चाहिए तो कहते हैं पहला नजरिया लाओ और वो है भोजन जो भी करेंगे ऋतु के अनुकूल करेंगे जो सही ऋतु है उस ऋतु के अनुकूल दूसरा है हित भोजन समझ गए ना इसका मतलब हित भोजन का मतलब होता है हितकारी भोजन वो भोजन करेंगे जो भोजन हमारे शरीर में जाकर पौष्टिकता देता हो वो भोजन करेंगे जो भोजन शरीर में जाकर हमारे जल्दी हजम हो जाता हो वो भोजन हम करेंगे जो शरीर में जल्दी हाजमा शक्ति को सेट करता हो हमारे नाड़ियों को दबाव न देता हो हमारे छाती में जलन न देता हो हमारे दिमाग में भारीपन न देता हो हम इसका प्रयोग करेंगे तो कहते हैं हितकारी भोजन हो और नंबर तीन मित भोजन यानी लिमिटेड मोबाइल में सिम भले ही अनलिमिटेड वाली रखो पर पेट में खाते समय तो लिमिटेड प्लान रखो मोबाइल में सिम भले अनलिमिटेड प्लान की रखिए पर पेट में भोजन करते समय क्या रखिए क्या रखिए लिमिटेड प्लान जो मिला खाते गए जो मिला खाते गए जो मिला खाते गए मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं हमारे देश में भूख से लोग कम मरते हैं ज्यादा खाने से लोग ज्यादा मरते हैं सच्चाई है हमारी जिंदगी की भूख से लोग कम मरते हैं पर दिन भर ज्यादा खाने से लोग ज्यादा मर रहे हैं अस्पतालों में वे लोग कम मिलेंगे जो भूखे रह जाते हैं पर वे लोग ज्यादा मिलेंगे जो दिन भर खाते रहते हैं, रहते, हैं, रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं मेरे भाई खाने के लिए जीना ये विराधना है बोलो मुँह से खाने के लिए जीना ये विराधना है पर जीने के लिए खाना ये आराधना है पर संयम के लिए खाना इसी का नाम साधना है मैं और बातें आगे बढ़ा रहा हूं हम कौन कौन सी चीजों का सेवन करें जिससे हम स्वस्थ शरीर के मालिक बन सकें पर इसके लिए पहली जरूरत यह है हम ये दिमाग में ले लें मैं ऋतु भोजन करूंगा मैं मित भोजन करूंगा और मैं हित भोजन करूंगा मैं ऋतु के अनुकूल खाऊंगा मैं मैं वह भोजन करूंगा जो मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो आपको पता है हम जब भी चटपटे भोजन कर रहे होते हैं खाते समय पता है और फिर खाने के बाद और फिर लास्ट में भी स्वादु भोजन में तो आग लगी रहती है शुरू से लेके एंड तक तो इसलिए अगर आदमी इस आग से बचना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आदमी <laughs> स्वादु भोजन की बजाय कहां जाएगा कहा साधु भोजन में जाएगा और साधु भोजन जब भी हम शरीर में स्वीकार करेंगे कभी भी शरीर में कभी कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी रित भोजन करो नंबर दो हित भोजन करो नंबर तीन मित भोजन करो परिमित लिमिटेड भोजन करो भगवान ने एक बहुत प्यारा तप दिया है और उसका नाम है उणोदरी तप जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में भोजन करते समय उणोदरी तप का पालन करता है वो जीवन की नब्बे बीमारियों से बचा रहता है और उस तप का नाम है बोलो तो मुंह से उनोदरी तप उनोदरी का मतलब होता है उदरी यानी पेट उन यानी कम पेट में जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाना दो हैं पेट में जितनी भूख है उससे चार रोटी ज्यादा खाना पहला तो ये है पेट में तो भूख चार रोटी की थी पेट भर गया फिर भी ये भी खा लू वो भी खा लू वो भी खा लू पहला है खा लू 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 दूसरा है नियंत्रण और वो है जितनी भूख है उड़ोदरी भूख से थोड़ा सा कम खा लू अच्छा सा नियम है जिसे हम पालन कर सकते हैं बारह बजे आपने भोजन कर लिया अब नियम ले लो शाम को पांच बजे से पहले पानी के अलावा पेट में कुछ नहीं डालूंगा क्या होता है पेट को भी हर चीज को पचाने के लिए समय चाहिए भोजन के चार चरण हैं ध्यान में ले लो नंबर एक उगाना दिमाग में लो नंबर एक उगाना नंबर दो किचन में पकाना नंबर तीन मुंह में चबाना नंबर चार आंतों में पचाना यह चार चरणों से भोजन गुजरता है तब वो भोजन हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है नंबर एक उगाना जहां खेतों में भोजन उग रहा है अगर वहां पर बहुत ज्यादा दवाइयों के उपयोग किए जा रहे हैं कल ही एक महानुभाव आए थे जिनके सब्जियों को उगाने का बड़ा खेत है और बात बात में कहने लगे गुरुदेव क्या करें मन बड़ा दुखता है इतनी दवाइयां डालनी पड़ती है इतनी दवाइयां डालनी पड़ती है और ना डालो तो महीने भर तक सब्जी की इंजारी करो तो लोग तो कमा के चले जाते हैं और हम खेत में बैठे रह जाते हैं हमारा वो कहते हैं इतना मन दुखता हमें पता है जो हम डाल रहे हैं वो आदमी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानकारी हो सकता है पर क्या करें धंधे में हर आदमी को करना पड़ता है नंबर एक खेत में उगाना बिल्कुल सात्विक हो दवाइयों का जितना कम उपयोग किया जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे भाई अगर दवाइयों का कम उपयोग करोगे तो जो लोग खेतों में अनाज या खेतों में सब्जियां उगा रहे हैं उनके खेतों की उम्र भी ज़्यादा रहेगी और जो अनाज और अन्न और सब्जियां उग कर आई है वो हमारे शरीर को नुकसान भी कम करेगी नंबर दो किचन में पकाना पकाने का तरीका बिल्कुल सात्विकों नहा धोकर शुद्ध तैयार होकर के और उसके बाद भोजन तैयार किया जाए अच्छी मनोदशा के साथ तैयार किया जाए आप एक दिन प्रयोग करके देखना एक दिन जब आप भोजन बना रहे हैं बहुत गुस्से में बहुत आका हुक्का घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है और आपने खाना बना के पटक दिया है उस दिन का स्वाद देखना और एक दिन आप अपने अंतर्मन में बड़े शांत हैं और तीर्थंकरों का अरियंतों का स्मरण कर रहे हैं मन में नौकार मंत्र का जाप चल रहा है मन में अरियंतों का सुमरण चल रहा है मन बड़ा आनंदित और प्रमुदित है मन बड़ा खुश है और बड़े आनंद भरे भाव से अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस खाना बनाने का स्वाद ही अलग होगा अगर गृहिणी ने आनंद भरे भाव से भोजन बनाया है उसका स्वाद अच्छा होगा मेरे भाई भोजन बनाने में कौन सी आलस अगर पुरुष कमाने में आलस खाएगा और महिला भोजन बनाने में आलस खाएगी तो बताओ दुनिया कैसे चलेगी एक घर में छह दिरानी जेठानियां थी और छहरों में रोज झगड़े चलते थे आज तू खाना बना आज तू खाना बना मैंने तो कल बनाया था ना मैं आज नहीं जाऊंगी मैं सुबह जा चुकी हूं मैं दोपहर में मैं दोपहर में जाकर हूँ शाम को रोज आपस में झगड़े चलते थे अंततः घर में मीटिंग हुई उनके झगड़ों को शांत करने के लिए सारे भाइयों ने एंड मम्मी पापा ने सास ससुर ने बैठकर निपटारा किया छह है ना चलो सोमवार को एक मंगलवार को एक बुधवार को एक, एक एक दिन एक एक बहू को बांट दिया गया किचन में जब किचकिच होती है ना तो भोजन का स्वाद खराब हो जाता है किचन में क्या होती है किचकिच जब चलती रहती है आपस में द्वंद्व चलते रहते हैं एक दूजे के प्रति आपस में विक्षोभ चलते रहते हैं वहाँ क्यों करें मैं मैं ज़्यादा काम करती हूँ ये तो कुछ नहीं करती मेरे भाई हमेशा याद रखना अगर घर में आप ज़्यादा घिस रहे हैं तो मन में दुखी मत होना जो चंदन घिसता है ना वो भगवान के चरणों में चढ़ता है और जो घिसने को तैयार नहीं होता वो किसी मुर्दे को जलाने में काम आता है इसलिए आप अगर घिस रहे हैं तो समझाओ वो चंदन है जो पूरे घर को महका रहे हैं तो घर में रोज झगड़े होने लग गए वो के ये नाश्ता बनाए वो के ये करे आखिर सबका बंटवारा हुआ सोमवार को ये वाली बहू काम करेगी मंगलवार को ये वाली बहू बुधवार को ये वाली बहू दिक्कत ये बहुएं छ और सप्ताह में दिन सात अब फिर इसका द्वंद खड़ा हो गया पर अभी एक लड़का कवा रहा था तो सासू मारने का कोई बात नहीं भाई धीरज रखो इसकी भी बहू आ जाएगी संडे अपन उसको दे देंगे संयोग के बाद दस दिन के बाद ही उसका रिश्ता हो गया रिश्ता हो गया तो लड़की वालों की लड़की को यह पता लगा कि जहां मेरी शादी हो रही है वहां तो देरानिया जेठानिया आपस में झगड़ रही है तो तू मैं मैं कर रही है आपस में द्वंद्व है आपस में खींचा तान है और काम काज को लेकर घर में दिन भर तनाव रहता है उसने सोचा मैं कैसे करूंगी गई अपने गुरु महाराज के पास और जाकर कहा गुरुदेव जहां मेरा विवाह हो रहा है वहां पर तो इस तरह का द्वंद चल रहा है गुरुदेव ने संतों ने ज्ञानी जनों ने उसे जीवन का पाठ पढ़ा और कहा चिंता मत कर तू जाना और तू अपने अच्छे कर्मों से उस घर में जगह बनाना तू आलस मत खाना अरे अच्छे काम करना तो जीवन का सौभाग्य होता है बुद्धिमान लड़की थी शादी करके घर आई रात को दो बजे तो घर पर आए शादी करके फेरे खा कुआ के और सुबह सुबह छह बजे वो घर की बहू नीचे उतर कर आ गई किचन में पहुंच गई और जाकर के पोहे साफ कर रही है दूध को छान रही है चाय बना रही है इधर उपमे को सेक रही है और वो बर्तनों की खटपट की आवाज आई रोज तो उस घर में आठ बजे तक कोई बहू नीचे उतर कर नहीं आती थी सासू माँ ने सोचा कोई बिल्ली आ गई है किचन में उंद्र आ गया हुआ क्या ये हो क्या खटपट आवाज क्या हो रही है मां नीचे उतर कर आए तो देखती है साढ़े छह बजे और बहुरानी सबसे नई वाली जिसकी कल शादी हुई है, है, है मां तो ने कहा बावड़ी क्या कर रही है अरे कल रात तो तू तो 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 हमारे घर में आई और आज सुबह तू तो किचन में घुस गई अरे लोग क्या कहेंगे इतना भी विवेक नहीं है तेरे पीहर वाले हमारे लिए क्या सोचेंगे जब उनको पता लगे छह बजे तू किचन में आ गई कल रात को दो बजे तू शादी करके घर में आई है खोलो कि दादाबाड़ी में भोजनशाला खोलो भोजनशाला खोलकर खोल लोगों को भोजन कराना पुण्य की बात है या पाप की बात कहा बेटा पुण्य की बात है पाप की बात कहा है तो बहू ने कहा मां जी जब घेरों को भोजन कराना पुण्य की बात है तो घर वालों को भोजन कराना कौन सी पाप की बात है मैं अकेली अब ये पुण्य कमाऊंगी सातों दिन तक जिन्होंने जितने जितने पुण्य कमा लिए सो ठीक है महाराज जी अब संडे से लेकर वापस संडे तक सातों दिन आठों दिन भोजन अब मैं ही बनाऊंगी मुझे ये पुण्य कमाने दो अरे मुझे इस बात का एहसास हो गया मेरे गुरुजनों की पवित्र वाणी सुनकर कि जब गैरों को भोजन कराना पुण्य की बात है तो घर वालों को भोजन कराना भी पाप नहीं पुण्य ही है अब मैं ये पुण्य कमाऊंगी मम्मी जी आप जाओ और सब जेठानियों को बोल दो आज से सबकी किचन से सासू को लगा ये जेठानियों की तो लॉटरी खुल जाएगी उसने कहा मैं सबका खाना मैं बनाऊंगी अरे घर में कितने तो लोग हैं कुल पंद्रह सत्रह तो लोग हैं सबका खाना मैं बनाऊंगी मम्मी जी आप चिंता मत करो मुझे यह पुण्य कमाने दो थोड़ी देर में हमेशा की आदत साढ़े आठ नौ बजे तक क्योंकि संडे था संडे को बच्चों की स्कूल तो रहती ही नहीं है तो मां बाप भी ठंडे ही रहते हैं फिर मैं सच्ची कहता हूं अगर ये बच्चों की स्कूल सुबह सात बजे की बजाय हमेशा के लिए बारह बजे हो जाए ना तो आधा हिंदुस्तान नौ बजे तक बिस्तर में पड़ा रह जाएगा आधा हिंदुस्तान आपको पता है अमेरिका में पहचान क्या होती है पता है आपको कि इस फ्लैट में जो रह रहे हैं वो इंडियन लोग हैं कि अमेरिकन लोग हैं ये बाहर से पता लगता है नेम प्लेट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है वहां पर घर में झांक के देखने की जरूरत नहीं होती है पूछने की जरूरत नहीं होती है बाहर से पता लगता है जिस फ्लैट में सुबह चार बजे पांच बजे लाइट जल गई समझो वो अमरीकन है और जहां पर सुबह साढ़े सार बजे तक भी लाइटें बुझी हुई है लोग समझते हैं यहां पर इंडियन रहते हैं सोए पड़े होंगे उनके दिन की शुरुआत चार बजे होती है और हम इंडियन के दिन की शुरुआत सुबह छह और सात बजे होती है तो, तो तो वो बहु रानी ने तो सब बनाना शुरू किया वो तो आटा वाटा भी गोने लग गई अरे सासू ने कहा तू क्या कर करें। रही है बदनाम करेगी पूरे गांव में हमें लोग क्या कहेंगे कल कर शादी करे रहे का कहा लोगों के छोड़ो मम्मी मुझे पुण्य कमाने दो सासू माने का अगर पुण्य कमाने तो अकेले क्यों कमाएगी मैं भी कमाऊंगी अब लग गई वो भी बहुओं को पता लगा ऊपर छः की छह बहुओं को गजब हो गया है नीचे तो आटा भी बिक गया है सब्जियां भी सुधर रही है गट्टे भी उबल गए हैं और 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 नाश्ता के तैयार हो गया वो नीचे आई पहले तो रस्ते में सोच रही थी अच्छा यो चोखो यो माथाफोड़ी खत्म छाती कूटा खत्म सिर पच्ची खतम संभाले तो संभाले पर नीचे आई और एक बार ऐसे ही नई नई बहू के सामने नाटक के स्टाइल में उन्होंने कहा अरे जी आप अभी क्यों लगे हो काम में ऐसे अच्छा थोड़े लगता है हम सब है ना उसने कहा नहीं, नहीं 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 अब मुझे पता लग गया कि गैरों को भोजन कराना अगर पुण्य की बात है तो घर वालों को भी भोजन कराना पुण्य की बात है मैं अब ये पुण्य कमाऊंगी सब घर वालों को भोजन मैं बनाऊंगी जिठाणियों को लगा मतलब ये तो चालू निकली बड़ी ये तो कल हाई और चाला क्या कर मतलब ये अकेला पुण्य कमाएगी ये तो हमें पता ही नहीं था कि घर वालों को भोजन प्रेम से बनाकर खिलाना ये पुण्य की बात है ये तो हमें पता ही नहीं था कि गैरों को भोजन कराना अगर पुण्य की बात है अगर सज्जन राजी सेठी यहां पर भोजनशाला खोलकर सबको भोजन करा रहे हैं अगर ये पुण्य की बात है तो घर वालों को भोजन कराना कौन से पाप की बात हो गई है? वो भी तो पुण्य की बात है ना तो 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 जेठानियों को लगा यार ये तो अकेली पुण्य कमाएगी मतलब इस घर में पुण्यवान अकेले ये नहीं 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 हम सब पुण्य कमाएंगे और कहते हैं सातों दिरा जेठानिया घुस गई एक ही दिन में बहू ने पूरे घर को सुधार दिया सातों दिरा जेठानिया किचन में घुस गई और सबके सब कोई हलवा बना रही है कोई सब्जी सुधारिये कर रही है कोई ये करी है कोई ये कर रही है और जब ससुर जी ऊपर से नीचे आए और सास ने सारी बात बताई तो ससुर जी ने कहा छुटकी बहू तूने तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया अगले दिन सासू मां नीचे उतर कर आई साढ़े पांच छह बजे तो देखा नई वाली बहू पूरे घर में झाड़ू निकाल रही है क्या कर रही है झाड़ू निकाल रही है अरे सासू माँ ने कहा अरे बिंदनी क्यों यूँ करे मोरे घर में तू लोग क्या कहेंगे मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे तीए पीरे वाले क्या कहेंगे अरे चार चार भाई हैं हमारे घर में झाड़ू पहुँचने के लिए और हम सब लोग हैं बेटा तू कल शादी करके आए तू कर क्या रही है उसने कहा जी एक बात बताओ मंदिर में झाड़ू निकालना पुण्य की बात है या पाप की बात मंदिर में कचरा निकालना पुण्य की बात है या पाप की बात है सासू मां ने कहा बेटा मंदिर में तो कचरा निकालना पुण्य की बात ही है तो उसने कहा मम्मी जी मैं तो ललित प्रभु जी चंद्र प्रभु जी महाराज से जुड़ी हुई जिन शासन की शाविका हूं और मुझे यह पाठ मालूम है कि अगर मंदिर में झाड़ू निकालना पुण्य की बात है तो मैं तो इस घर को भी मंदिर ही मान रही हूं मैं यहां भी झाड़ू पुण्य मानकर निकाल रही हूं सबको अक्कल आई और घर में झाड़ू निकालना पुण्य की बात सबके सब लग गई अब देखो अगले दिन क्या किया वो छोटकी बहू ने सारे लोगों के पुण्य जगाने शुरू कर दिए और अगले दिन सुबह उठी पांच बजे और बड़े वाले घड़े उठाए और कुएं पर पानी भरने निकल पड़ी सासू मां साढ़े छह बजे नीचे आए तो देखे आठ दस कल से भरे हुए हैं और वो कंधे पर पानी लेकर आए सासू मां ने कहा छोरी तू क्या कर रही है बिंदनी है नाक कटाएगी पूरे गांव में हमारी लोग कहेंगे कल घर में बहू आई और आज कुएं से पानी भर भर के ला रहे हैं उसने कहा मम्मी जी एक बात बताओ चौराहे पर प्याऊ खोलकर पानी पिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है सासू मां ने कहा बेटा वो तो पुण्य की बात है तो मम्मी एक बात बताओ प्याऊ खोलकर पानी पिलाना पुण्य की बात है तो घर के लोगों को पानी पिलाना का पाप की बात कैसे हो गई मम्मी मैं ये पुण्य भी मैं ही कमाऊंगी घर के लोग सुबह उठकर आएंगे नौका सी पाड़ेंगे उनको सबको ताज़ा पानी चाहिएगा इसलिए मैं पानी छान कर लाई हूं और मैंने सब गढ़ों में पानी भर दिया है घर के सब लोग इकट्ठे हुए और तब घर के सब लोगों को इस बात का एहसास हुआ घर के काम को कभी भी भार नहीं मानना चाहिए घर में किए जाने वाले काम को हमेशा भाग्य मानना चाहिए इसलिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो भारी मन से ना बनाएं मुस्कुराते हुए आनंद भरे मन से बनाएं कि घर में अगर दस मेहमान आ गए इनको भी अभी आना था हुँ? मुझे तो मुझे तो निकलना है डेढ़ बजे बाहर निकलना है और ये अभी टपक गई ना बाबा ना हमेशा याद रखो खुद खाना ये सामान्य बात है पर दूसरों को खिलाकर खाना सौभाग्य की बात है दुनिया में एक होते हैं देव एक होते हैं दानव इन दोनों में फर्क क्या है एक लाइन में समझ लेना इस दुनिया में कौन कौन लोग ना तो कोई देवता आसमान की बात कर रहा हूं ना कोई दानवों की जमीन की बात कर रहा हूं मैं इंसानों के बीच ही देवता दानव दोनों की बात कर रहा हूं मेरे भाई जो दूसरों को बांट कर खाते हैं वे देवता होते हैं जो दूसरों का छीन कर खाते हैं वे दानव होते हैं इतना सा फर्क है क्या है दिमाग में ले लो जो 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 बांट कर खाते हैं दूसरों को हिलमिल कर खाते हैं दूसरों को रोटी अगर दो हो और खाने वाले चार हो तब भी आधी आधी रोटी खाना अकेले मत खाना यानी खाना हमेशा जो बांट कर खाते हैं वो देवता होते हैं और जो 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 जो, जो छीन कर खाते हैं दूसरों का वो दाना होते हैं इसलिए सौभाग्य मानना घर में अगर अतिथि आ जाए भगवान श्री महावीर ने तो एक व्रत दिया है जिसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत सुना है ना व्रत है अतिथि संविभाग व्रत अपना सौभाग्य मानना कि आज चार लोगों को आपको खिलाने का सौभाग्य मिला आज मेरे पुण्य का उदय है कि नहीं अगर ये पता करना हो तो एक लाइन में पता कर लो आज मैंने किसी चार लोगों को खिलाने का सौभाग्य लिया कि नहीं लिया अरे जब पूर्णिया शावक भगवान श्री महावीर के धर्म देश नाम में उपस्थित थे, थे तो भगवान महावीर ने जब अतिथि संविभाग व्रत की बात कही तो पूर्णिया शावक ने निर्णय लिया कि मैं भी रोज अतिथि को भोजन कराऊंगा पर घर आया तो उसे एहसास हुआ मैं तो इतना ही कमाता हूं कि हम दो खा सके पुणिया श्रावक ने अपने पास जितनी संपत्ति थी सबका दान कर दिया था वो ऐसा महान श्रावक था अपने पास जितनी भी संपत्ति, संपत्ति काटता था, और बना था, कि रोज पूनिया था। है? रुई की उनकी पुणिया काटता था और उससे एकाना दुआना जो रोज कमाई होती पति पत्नी दोनों अपना पेट भरते थे लेकिन मन में आया अरे हम ये धर्म तो कर ही नहीं पा रहे अतिथि संविभाग अतिथि को भोजन कराने का मुझे कोई पूछे आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है तो मैं कहूंगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म यह है भूखे का पेट भरना इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता है हुँ? भूखे का पेट भरना जब मन भरा हो तो धर्म और विज्ञान सूझता है जब मन भरा हो तो दर्शन और विज्ञान सूझता है आत्मा नैतिकता और मानवता की बातें बहुत अच्छी है पर भूखे पेट को तो रोटी में ही भगवान सूझता है किसी भूखे का पेट भरना यह सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपका सौभाग्य है आज चार लोगों को आपने भोजन करा और तब कहते हैं उस महान श्रावक ने संकल्प लिया कि मैं एक दिन उपवास करूंगा और एक दिन अतिथि को भोजन कराऊंगा जब पत्नी ने पूछा आज आपके उपवास किस बात का है तो कहने लगे मैंने ऐसा मन बनाया है कि हम किसी सधर्मी भाई को किसी अतिथि को भोजन कराने का सौभाग्य लें पहले लोग जब भोजन करने बैठते थे ना मेरे भाई हमारे दादा परदादा बड़े बुजुर्ग लोग जब भोजन करने बैठते थे तो भोजन की थाली लगाने के बाद एक मिनट इंतजारी करते थे और वो इंतजारी भोजन के ठंडे होने की नहीं करते थे वो इंतजारी करते थे कोई सधर्मी भाई आए तो हम उसके साथ ही बैठकर खाएं उसको भोजन करा के खाएं अगर मैंने भोजन खाया तो केवल पेट भरा पर किसी को खिला के खाया तो भाग्य का उदय हुआ और तब पहले लोग थाली लगाकर इंतजारी करते थे कोई आए तो हम खाएं जमाने ने करवट बदली पहले इंतजारी करते थे कोई आए तो खाएं और अब इंतजारी करते जो आए वो जाए तो पीछे हम खाएं बनाएगा कौन इतने का मैं इसीलिए अनुरोध कर रहा हूं तब पूर्णिया श्रावक ने नियम लिया था क्या क्या मैं एक दिन उपवास करूंगा और अपने हिस्से का भोजन अतिथि को खिलाऊंगा तब उसकी महान पत्नी कहती है ऐसा नहीं होगा कि एक दिन होगा अब एक दिन आप उपवास करेंगे एक दिन मैं उपवास करूंगी और हम दोनों अपने अपने हिस्से का भोजन रोज एक एक अतिथि को लाएंगे इस तरह महीने में तीस दिन और साल में तीन सौ पैंसठ दिन हमें किसी को भोजन कराने का सौभाग्य मिलता रहेगा आओ। अब हम समझते हैं एक स्वस्थ शरीर के हम मालिक कैसे बने किस तरह का हम भोजन करें कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ प्रसन्न आनंदित रह सके हमारे शरीर की कई प्रक्रिया है आहार विहार निहार शयन जागरण संसार के सुखों का सेवन भगवान कहते हैं इन सब के साथ में एक शब्द जोड़ दो तो तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे और वह है संयम पूर्वक करो आहार विहार, निहार सयन, जागरण सांसारिक जीवन इन सभी चीजों के लिए भगवान ने कहा है केवल एक शब्द दिमाग में ले लो और वह है मैं इन सभी चीजों का सेवन करूंगा पर यह चीजें हमारे लिए नुकसानकारी नहीं होगी अगर हम एक शब्द दिमाग में ले लें ले और वो क्या है संयम पूर्वक हन का उपयोग करेंगे संयम पूर्वक जैसे वीणा के तार होते हैं ना उनमें संतुलन बैठाया जाता है बिना संतुलन आज तक कभी वीणा के तारों में से संगीत पैदा नहीं होता है जैसे वीणा के तारों में से संतुलन बैठाया जाता है ऐसे हमारा शरीर और जीवन है इसमें संतुलन जब हम बैठा लेते हैं तो हम स्वस्थ शरीर के मालिक बनते हैं और जब असंतुलित हो जाते हैं वात पित्त कफ शरीर के असंतुलित हो जाते हैं खान पान बिगड़ जाता है पेट का असंतुलन हो जाता है तब हम बीमार पढ़ने शुरू हो जाते हैं तो पहला नियम वो कह रहे हैं संयम पूर्वक खाओ क्या कह रहे हैं जो मिला वो मत खाओ खाते रहो 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 खाते खाते खा खा के कुएं खाली कर दिए पर तो पेट भरा नमन भरा चीजें तो हमने सब खाई खाने से तृप्ति नहीं आई अरे तृप्ति आएगी तब कर लेंगे संथारा। वो दिन होगा धन्य हमारा हम लोग खाने पीने के पीछे कैसे लगे रहते हैं आदमी पता नहीं ऐसा लगता है बस जी ही इसलिए रहे ताकि वो खा सके खा सके खा सके खा सके हम जो कभी कहते हैं ना कि भाई ब्याह शादियों में ग्यारह आइटम पंद्रह आइटम का नियंत्रण रखो ज्यादा आइटम मत करो इसके पीछे केवल यही नजरिया नहीं है कि फालतू खर्चा ना हो इसके पीछे यह भी नजरिया है कि आप अटरम पटरम खाकर बीमार ना हो अगर पंद्रह आइटम है तो आप पंद्रह खाएंगे पर अगर पैंतीस है तो आप क्या करेंगे बीस छोड़कर आएंगे ना बाबा ना पैंतीस के आएंगे और भूल चूकर उसने पचपन आइटम बना दिए हैं तो पहले तो खाकर आएंगे बाहर आकर उसका आलोचना करेंगे ये कोई तरीका है मैं जान कर इसलिए कहता हूँ और मैं कहता हूँ अगर हम दुनिया को स्वस्थ देखना चाहते हैं हॉस्पिटलों से बचना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है पूरे देश भर के हर जाति कौम पंथ परंपरा चाहे वो अग्रवाल हो माहेश्वरी हो जैन हो माड़ी हो ब्राह्मण हो सुथार हो या और किसी भी राजपूत हो या और किसी भी जाति पंथ परंपरा छत्तीस कौम के इंसान के लिए झोंपड़ी से राजमहल तक रहने वाले हर इंसान के लिए कहना चाहूंगा आज से वो नियम बना ले हम जब भी ब्याह शादी करेंगे हम साधु भोजन बनाएंगे स्वास्थ्यकारी बनाएंगे प्रियकारी नहीं हम श्रेयकारी बनाएंगे और अगर ये छोटा सा नियम देश में पाल लिया जाए कि हम पंद्रह आइटम से ज्यादा नहीं बनाएंगे ग्यारह आइटम से ज्यादा नहीं बनाएंगे बारह आइटम से ज्यादा नहीं बनाएंगे शुरुआत में साल दो साल तो थोड़ा लगेगा क्योंकि हमारे अब तक वो पिचियासी पिचियासी आइटम देखने की आदत रही है पर अगर संयम पूर्वक मैं तो कहूंगा केवल ब्याह शादियों में नहीं मैं समाज को सजग करना चाहूंगा अगर अंजन सलाकाएं हो रही है अगर प्रतिष्ठाएं हो रही है, है और और प्रतिष्ठाओं के, के जीवन करते, करते हैं तो आठ आठ मिठाइयों का आयोजन करते हैं कहा संतुलन धर्म के नाम पर एक और हम करते हैं और दूसरे हम बारह बारह आइटम बारह बारह मिठाइया और पच्चीस पच्चीस तरह की चीजें ना बाबा ना सभी जगह सुधार करना पड़ेगा केवल लोगों को एक कहने से नहीं होगा कि आप अपनी ब्याह शादियों में आइटम कम कीजिए मैं कहूंगा हम सारे संतों को भी हम जहां जहां कार्यक्रम कराते हैं चाहे वो प्रतिष्ठा कराएं कि संघ निकालें कि उपदान कराएं कि अंजन का कराएं कि चाहे जो कराते हैं हम संतों को भी संयम का अनुरोध करना पड़ेगा भैया भोजन जो बनाओ वो सादगीपूर्ण हो वो सात्विक अच्छा भोजन हो अरे एक और जब हम एम्बिल की बात करते हैं जब हम कहते हैं छह छह विगय का त्याग कर दो मेरे भाई विजय को सेवन करने का मतलब यह नहीं कि अब भरपूर सेवन कर लो अगर विजय लेने की छूट मिल गई है इसका मतलब यह भरपूर सेवन कर लो घी भी खूब खाओगे तेल भी खूब खाओगे मिठाइयां भी खूब खाओगे नमकीन भी खूब खाओगे तला गला सड़ा सब खाओगे संयम लाना पड़ेगा सभी जगह जरूरी है खाने के लिए न जिये जीने के लिए हम खाएं। हो मैं तो अनुरोध करूंगा समाजों में भोजन होते ना स्वामी वत्सल्य होते हैं मेरे भाई पहले जमाने में इतना ही होता था जहां तक मुझे मालूम है बूंदियां हो जाती थी थोड़ा गेवर हो जाता था हैं लापसी बिल्कुल सही का लापसी हो जाती थी हैं यही सब मिठाइयां चलती थी अब ये है बाहर तरह की मिठाइयां लंबे लंबे यहां से लेके वहां तक स्टाल और उसमें भी इतना भद्दा लगता है जब शाकाहारी लोगों के भोजन आइटमों में वो उसको सलाद को इसी इस तरह सजाया जाता है कभी मगरमच्छ का रूप दिया जाता है कभी वो रूप ना बाबा ना सात्विक हो निर्मल हो पवित्र हो हमारा भोजन कहते हैं एक जगह एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया अमेरिका का पहलवान भी आया और जापान का पहलवान भी आया और रूस का पहलवान भी आया और 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 पाकिस्तान का पहलवान भी आया और भारत का पहलवान भी आया पांच देशों ने उसमें भाग लिया प्रतियोगिता क्या थी ध्यान में लो लड्डू खाने की प्रतियोगिता तो सौ लड्डू रखे हुए थे जो व्यक्ति सौ लड्डू खाएगा वो प्रतियोगिता जीत जाएगा पहला मौका दिया गया चीन के पहलवान को तीन सौ किलो का पहलवान यू अब भोजन करने बैठा वो एक दो दस बीस तीस पैंतीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे इक्यानवे में, में लड्डू खा गया लोगों को लगा ये तो मतलब पहले में ही ले जाएगा स्वर्ण पदक पर वो बाण में लड्डू में ढेर हो गया दूसरा मौका मिला अमेरिका के पहलवान को वो भी बड़ा संड मुसंड था वो भी भोजन करने बैठा एक दो दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे इक्यानवे बानवे तेनवे चौरवे में, में जाके वो भी ढेर फिर मौका मिला रूस के पहलवान को वो भी कम से कम साढ़े तीन सौ किलो का और वो भोजन करने बैठा वो पहुंच गया नाइन्टी सेवन तक फिर मौका मिला पाकिस्तान के पहलवान को वो भी पहुंच गया नाइन्टी एट तक पर वहां पर जाकर वो भी ढेर हो गया सब देशों से आए थे कहीं से ढाई सौ किलो का कहीं से चार सौ किलो का कहीं से तीन सौ किलो का भारत से एक पहलवान थे पंडित जी केवल पचपन किलो के लोगों ने कहा यह तो तीन लड्डू में ही ढेर हो जाएगा पर वो करने बैठे एक लड्डू दो लड्डू तीन लड्डू चार पांच दस बीस तीस चालीस लोगों की आंखें फटी की फटी रहेगी पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे इक्यानवे बानवे पंचानवे छिन्नवे सितयानवे इट्ठानवे निन्यानवे और वो पाकिस्तान का पहलवान बीच में कूदा नोट निन्यानवे गलत बोला गलत गिना है अभी तक नाइनटी सेवन होने नाइनटी नाइन हो गया भारतीय पहलवान के साथ जो गए थे उन्होंने कहा 99 नाएं हो गया वो कहते नाइनटी सेवन के नाइनटी नाइन के नाइनटी सेवन उसने कहा क्यों झगड़ा करते हो वापस एक से शुरू कर दो ना जिंदगी केवल खाने पीने के लिए नहीं होनी चाहिए अन्नम वही प्राणा, अन्न हमारे प्राण के आधार है पर इतना ध्यान रखो वो अन्न हमेशा सात्विक हो पहले हम कहते थे जियो और जीने दो अब हम कहते हैं जीमो और जीवने दो शरीर के लिए कौन कौन से भोजन की खास आवश्यकता होती है पहले हम एक एक बिंदु को समझते हैं नंबर एक चलो रसोई घर में नंबर एक रसोई घर हमारे भोजन का कंट्रोल रूम है एक तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का चिकित्सालय है एक तरह से रसोई घर हमारे लिए सामूहिक रूप से भोजन हम बनाए रसोई घर में ज्यादा टेंशन लेकर भोजन ना बनाए रसोई घर जब भी बनाए तो हवादार जरूर हो पूरा पैक रसोई घर ना हो वेंटिलेशन उसमें जरूर दीजिए ताकि हवा पास हो सके शुद्ध हवा शुद्ध ऑक्सीजन रसोई घर में हो सके इस बात का पूरा विवेक रखें रसोई घर की खास जरूरतें नंबर एक साफ सुथराई पूरी हो विवेक रखें रात के बर्तन रात को धोकर के सोएं और रसोई घर अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें नंबर दो परस्पर जो लोग खाना बना रहे हैं एक दूजे के प्रति सम्मान की भावना हो नंबर तीन सामूहिकता की भावना हो और नंबर चार हवादार रोशनी उसमें हो अगला बात मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है कौन कौन सा भोजन हमारे शरीर में कौन कौन सा काम करता है नंबर एक किन किन चीज़ों का भी सेवन करें कि हम शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं जो लोग अपने शरीर में विटामिन ए बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए दूध अच्छा रहता है उनके लिए पत्ती की सब्जियां अच्छी रहती हैं उनके लिए आम पपीता टमाटर अच्छा रहता है वे लोग अगर खाएंगे तो विटामिन ए हमारे शरीर में जब जब समय मिले इनका उपयोग करें तो हमारे शरीर में विटामिन ए बढ़ता है विटामिन ए काम करता है आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए विटामिन बी काम करता है हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए तो उसके लिए है हम लोग मटर की सब्जी का इस्तेमाल करें सेम की फली का इस्तेमाल करें हरे मूंग जो हम मूँग की सब्जी खाते हैं उसके इस्तेमाल करें बाजरे की रोटी हमारे लिए बहुत अच्छी रह सकती है चावल और दूध ये हमारे लिए पाचन शक्ति को बढ़ाने में एंड मांसपेशियों को मजबूत रखने में विटामिन बी हमारा सहयोगी बनता है पर विटामिन सी जो हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम करती है जिससे हमारे छूत का रोग हमारा दूर हो जाता है उसके लिए है कि हम फलों का उपयोग करें सब्जी का उपयोग करें आंवले का उपयोग करें मौसम भी का अभी जब यह चल रहा है ना कोरोना इसमें इन चीजों का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर हम विटामिन सी शरीर में ज्यादा लेंगे तो कोई भी छुआछूत की जो बीमारी होती है हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगी विटामिन सी का पहला काम है बाहर से छुआछूत के द्वारा जो बीमारी आती है उनको रोकना ठीक है ना तो हम इसके लिए गर्म पानी में नींबू ले सकते हैं हम इसके लिए मौसमी का उपयोग कर सकते हैं आंवले का उपयोग कर सकते हैं ये सब चीज़ें हमारे शरीर में विटामिन सी बढ़ाती है ये तो आधे घंटा रोज धूप खाओ ये तो हमारे लिए बेहद काम करती है धूप से जो हमें विटामिन मिलता है उसका नाम होता है विटामिन डी अभी जो ये कोरोना चल रहा है इन दो में विटामिन सी एंड विटामिन डी हमारे लिए बेहतर हो सकता है और वो है हम सुबह आधे घंटा धूप में रहेंगे अच्छी धूप खाएंगे शरीर की शुद्धि हो जाएगी और 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 शरीर में कोई छुआछूत का रोग अगर प्रवेश कर रहा है तो बाहर निकल जाएगा भोजन से पहले क्या चीज ध्यान रखें नंबर एक आहार शुद्धि सत्व शुद्धि अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारी आत्मा भी शुद्ध हमारे प्राण भी शुद्ध हमारा खून भी शुद्ध हमारा मन भी शुद्ध हमारा शरीर भी शुद्ध तो एक चीज अगर हम शुद्ध कर ली वो है आहार शुद्धि सत्व शुद्धि तो इसके लिए पहला नियम बना लो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज से नियम बना लो हम जब भी भोजन करेंगे घर में ताजा बना हुआ भोजन करेंगे नंबर एक रात का भोजन अगले दिन मत कीजिए कल की बची हुई सब्जी को अगले दिन उपयोग मत कीजिए कल के बचे हुए भोजन को अगले दिन किसी भी में उपयोग मत कीजिए स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और धर्म की दृष्टि से भी हमारे लिए पुण्यकारी नहीं माना जाएगा नंबर दो बच सकते हैं तो हर व्यक्ति ये बात का ध्यान रखें और वह होटलों में खाना खाने से जरूर बचें जिस किसी व्यक्ति को होटल में खाना खाना हो एक काम किया करो वहां खड़े होकर मत खाओ जहां खाना खिलाया जा रहा है पहले वहां जाओ जहां खाना बनाया जा रहा है तब आपको पता लेगा कि किस तरह से लापरवाही पूर्वक और विशेषकर मैं संपूर्ण समाज के अमीर वर्ग को इस बात के लिए सावधान कर रहा हूं कि कम से कम ये तो वो जरूर विवेक रखे कि हम कभी भी फाइव स्टार होटलों में जाकर अपने बच्चों की शादियां नहीं करेंगे ऐसे स्थानों पर जाकर अपने बच्चों की शादियां नहीं करेंगे जहां वेज नॉन दोनों तरह के खाने बन ये काम तो किसी भी स्थिति में समाज के किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो पर समाज के मर्यादाओं को तोड़ना हमारे धर्म के मर्यादाओं को तोड़ना शुद्ध सात्विक साकार भोजन के मर्यादाओं को तोड़ने का अधिकार उसको नहीं है इसलिए किसी भी व्यक्ति को चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो तय मानकर चलना लोग खाके भी आते हैं और बाहर आके उसके मजाक भी उड़ाते हैं उन फाइव स्टार होटलों में लोग खाके भी आते हैं रिश्तों को निभाने के लिए पर बाहर आकर मजाक उड़ती है इसलिए हर अमीर वर्ग से मैं अनुरोध करूंगा जब भी कहीं पर कोई स्थान शादी ब्याह के लिए बुक करे ये जरूर पता कर ले हंड्रेड परसेंट पता कर ले कि वहां पर पूर्णतया शाकाहार है या नहीं ये आपका रास्ता बिल्कुल गलत है साहब वेज इधर होता है नॉन वेज इधर होता है मेरे भाई बाहर आकर दोनों अलग हो सकते हैं पर जहां बन रहे हैं वहां क्या है आपको पता है क्या इसलिए ये तो संकल्प पूरे समाज के बच्चे बच्चे को जन जागरण करके दिया जाना चाहिए और कम से कम जितने अमीर लोग हैं मैं उन सबसे कहूंगा ऐसे स्थान को कभी भी बुक न करें जहां पर किसी भी तरह से हमारे शाकाहारी भोजन का अतिक्रमण होता हो हमारे नहीं किसी के लिए भी होता हो तो उस स्थान का प्रयोग ब्याह आदि के लिए ना करें हाँ मैं आम इंसान को विशेषकर युवा पीढ़ी को अनुरोध करूंगा वे अपनी आदत को सुधारें ये जो हमारी आदत पड़ गई है हर संडे को होटल जाना मेरे भाई अच्छा हुआ ये जो दो तीन महीने चार महीने हो गए ना ये होटलों में लोगों का खाना खाना बंद हुआ है लोग और पेड़ से स्वस्थ हुए हैं बाहर वाले पेट लोगों के अंदर आए हैं खट्टी खट्टी दकारें लोगों की बंद हुई है बीमारियां खत्म हुई है जांचें बंद हुई है अरे मेरे भाई इस चार महीने में कोरोना तो बढ़ा पर देश की कई सारी बीमारियां कम हुई हैं कई सारी बीमारियां आपको इतना सा मालूम होगा कि जब साठ दिन बीत गए थे तो और बाकी सब छोड़ो पर्यावरण के लिए आया था कि दिल्ली की सड़कों का जो पर्यावरण है वो कितना सुधर गया था तो हम अपने खान पान को अगर नियंत्रित रखना चाहते हैं तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा बेटा होटल में नहीं खाना पत्नी जिद भी करे ना आज बाहर खाना खाएंगे जरूर खाना मैं मना नहीं करूंगा पर बाहर का मतलब होटल नहीं होता है बाहर का मतलब कमरे का बरामदा होता है ठीक है चलो बाहर बैठ के खाना खाते हैं अपन तुम्हारी इच्छा है ना बाहर खाना खाने की आज हम बाहर खाना खाएंगे पर खुली हवा में बरामद में बैठकर खा लेंगे पर होटल में बैठकर नहीं खाएंगे हर हर हालत में युवा पीढ़ी को इस बात के लिए प्रेरित करना पड़ेगा अगर खाओगे होटलों में तो मरोगे हॉस्पिटलों में अगर खाओगे होटलों में तो बीमार पड़ के जाओगे हॉस्पिटल में शुद्ध घर का सात्विक खाना खाओ निर्मल खाना खाओ पवित्र रीति से बना हुआ खाना खाओ अच्छे शुद्ध सात्विक मसाले क्योंकि घर में जब भोजन बनता है तो उसमें आपका स्वास्थ्य रखा जाता है और होटलों में भोजन बनता है तो स्वास्थ्य कम स्वाद और मनी पॉइंट ज्यादा बना रहता है तो मैंने अनुरोध किया अगर हम बच सकते हैं सभी लोग जो सुन रहे हैं सब ये संकल्प कर लो। हम घर का बना हुआ ताजा शुद्ध सात्विक शाकाहार हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे हम किसी भी स्थिति में संभव जहां तक होगा होटलों के भोजन से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे भोजन से पहले तीन बातों का ध्यान रखिए नंबर एक जब भी भोजन करो तो दूसरों को खिलाकर करो आज मैंने किसी को खिलाया कि नहीं खिलाया आज मैंने किसी कुत्ते को चार बिस्किट भी खिलाई कि नहीं खिलाई आज मैंने किसी जानवर को गाय को एक रोटी भी खिलाई कि नहीं खिलाई पर आज मैं अपने हाथ से किसी को खिला पाया कि नहीं खिला पाया भगवान कहते हैं औरों को खिलाकर खाओ नंबर दो जब भी भोजन करो तो मौन पूर्वक करो भोजन पर कभी टिप्पणी मत करो क्योंकि अगर आपने टिप्पणी की तो घर में आक्रोश का माहौल बनेगा तो जब भी भोजन करो टिप्पणी मुक्त भोजन करो शांतिपूर्वक बैठ कर करो किसी भी हालत में वाणी का उच्चारण करते हुए भोजन मत कीजिए आपको मालूम होगा कई बार हम भोजन करते हैं तो गाल दांत के नीचे आ जाता है ये क्यों आता है पता है लापरवाही के कारण हमारा दिमाग कहीं और रहता है भोजन कहीं और रहता है जब सामने टीवी चल रही हो तब तो भोजन ना करें भोजन करते समय मोबाइलों पे बातें ना करें भोजन करते समय इधर उधर की बातों में न जिए और भोजन करते समय जहां तक संभव हो मौन पूर्वक भोजन करें आप देखना मौन पूर्वक आप भोजन करेंगे ना अब आप नहीं बताएंगे सब्जी में नमक है कि नहीं है पर तय मानकर चलो अगर तीन दिन आपने भोजन मौन पूर्वक किया तो चौथे दिन हर चीज टेस्ट करके आएगी पत्नी खुद चेक करेगी इनको पता है वो तो बताएंगे नहीं नमक है कि नहीं मिर्ची है कि नहीं शक्कर है कि नहीं वो खीर को भी चेक करेगी वो सब्जी को भी चेक करेगी वो दही को भी चेक करेगी उन्हें पता है ये बोलेंगे नहीं दही खट्टा है कि मोड़ा है वो हर चीज़ चेक करके देगी सावधानी पूर्वक देगी पर उनको पता है ये खुद ही उछल कूद करते रहते हैं मारवाड़ में होता है ना ऊँट बाद में कुत्ता और बुरा पहले कुत्ता है

ढाल नंबर तीन जो भोजन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है जब आप भोजन करें थाली को हमेशा पूरी तरह से साफ कर दें कुछ भी जूठन न डालें उतना ही थाली में लो जितना आप खा सकें वेस्टेज छोड़ना मेरे भाई अन्न का अपमान है और अगर आप एक दाना भी वेस्टेज नहीं छोड़ते तो यह अन्नदान करने का पुण्य है क्योंकि तो आपने वेस्टेज नहीं छोड़ा तो वो अन्न किसी और के काम आया तो आपको अन्न दान करने का पुण्य मिला और अगर आपने वेस्टेज छोड़ा तो आपको अन्न के अपमान करने का पाप लगा अगर आपने थाली में जूठा छोड़ा छोड़ो जरूर गाय के लिए भी रखो पर झूठी रोटी क्यों रखते हो झूठी सब्जी आपकी जूठन बचा हुआ ड्रम भरकर बाहर जाता है और सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है और रोड वालों को बदबू मारता है और अगले दिन कोई जीव जानवर आके उसको खाता है और वो बीमार पड़ता है क्या कर रहे हैं हम ये हम अपनी थाली में उतना ही भोजन लें जितना हम प्रेम और सात्विकता पूर्वक खा सकें गाय के लिए रोटी रखो जानवरों के लिए भोजन रखो पर झूठा भोजन नहीं पहले उनके लिए निकाल दो ये दो रोटी मैं गाय के लिए निकालता हूं अब उसके बाद मैं भोजन कर रहा हूं मेरे भाई थोड़ा सा कम भी खा लोगे तो स्वस्थ रहोगे पर जूठन छोड़ोगे तो दोस्त के भागी बन जाओगे भोजन की मात्रा के लिए भगवान कहते हैं चौथाई थैली पेट की खाली रखो अन्न को करो आधा शाकों को करो दुगुना पानी पियो तिगुना और हंसी को ले लो चौगुना आप स्वस्थ रहेंगे अन्न की मात्रा को कम कर दो शाक सब्जी की मात्रा को बढ़ा दो पानी भरपूर पीना शुरू कर दो और जीवन में हर पल मुस्कुराना शुरू कर दो आपकी आधी बीमारियां अपने आप टल जाएगी पहला अनुरोध किया भोजन की मात्रा बहुत कम हो जो एक बार खाए वो 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 योगी जो दो बार खाए वो भोगी जो तीन बार खाए वो रोगी बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे जो एक बार खाए वो योगी जो दो बार खाए वो भोगी जो तीन बार खाए वो रोगी और जो दिन भर खाता रहे उसके लिए कोई शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते वो तो महा रोगी है वो तो हर समय बीमार बना हुआ ही जिंदगी चलता रहता है दिन भर चरो मत नियंत्रण कर लो हमारे यहां एक अच्छा तपस्या का रूप दिया गया और वह है कुछ साधु साधु जी हमारा साहब अच्छी डायरियाँ निकालते हैं और वो डायरियाँ अच्छी लगती है हालांकि खाली रहते हैं खड़ बनाकर खाली छोड़ देते हैं और वो ये है कि आप उसमें घंटा लिख दो आज मैंने कितना घंटे का व्रत लिया यानी सुबह नाश्ता का लिया आठ बजे अब बारह बजे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो चार घंटा हो गया तो वो खड़ रहते हैं देखिए ना आपने बड़े बुजुर्ग हैं हमारे कुछ अच्छे वयोवृद्ध साधु साधु जी हमारा साहब ऐसी वो बुक निकाल देते हैं है ना अच्छा लगता है कि इससे आदमी कुछ तो नियंत्रण कर रहा है धर्म तो अगला चरण है स्वस्थ शरीर का मालिक होने के लिए जरूरी है कि आठ बजे अब नाश्ता कर लिया पचने का समय दो अब बारह बजे कुछ भी लेंगे अब बारह बजे एक बार भोजन कर लिया अब आप जहां जा रहे हैं हालत ये हो गई इसकी आ गई चाय उसकी यहाँ गई चाय उसकी यहाँ गई चाय और जो जो आपके यहाँ आप हरेक को चाय पिलाओ और साथ में खुद भी पीते रहो तो शरीर बीमार पड़ता है भाई चाय पी लो सुबह एक बार पी ली दोपहर में ज्यादा ज्यादा दूसरी बार पी लो पर हम पांच पांच बार सात सात बार कई लोग हैं दस दस कप दिन में चाय पी लेते हैं अब बताओ वो बीमारियों को निमंत्रण नहीं देंगे और समय से पहले ऊपर नहीं जाएंगे और अस्पतालों में जाकर नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा भाई उनको पिलाना तो पिलाओ ना मना थोड़ी है पर साथ में तुम्हें पीना है मेरा नियम है मैं बारह से पांच बजे अब नहीं लूंगा ठीक है अब जैसे आप किसी घर गए उसने थाली सजा कर दी आपने कहा भैया आज मेरे उपवास का पछखान है अब वो आग्रह करेगा क्या करेगा क्या नहीं नहीं उपवास तो क्या हो खाने भाई उपवास का पछखणा है बात खत्म ठीक है वैसे ही बारह बजे भोजन किया साढ़ा बारह बजे भोजन किया या एक बजे भोजन किया हाथ जोड़ा संकल्प अब साढ़े पांच बजे तक का पछखान अगर पूरा आहार का त्याग कर सको तो ठीक नहीं तो पानी खुला रख लो और बाकी सब चीजों का त्याग कर दो स्वस्थ भी रहेंगे और धर्म की आराधना भी होगी यूं चार चार घंटा चार गंटा, चार घंटा चार चार घंटा चार चार घंटा करते 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 चौबीस छह दिन में आपके उपवास करने का पुण्य लाभ मिल गया यू चार चार घंटा बांट बांट के करने में छोटी छोटी तपस्या छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन अनुव्रतों की आराधना हो गई कि हमने छोटा छोटा संकल्प कर लिया तो मेरे भाई चौथाई थैली खाली रखो कम खाओ और खाने में सबसे अच्छी चीज है ना जिसे दिन भर खाओ पचखान है तब भी खाओ और वह थोड़ा गम खाओ क्या खाओ थोड़ा गम खा लो पचखान में भी खा लो ये तो रात को भी खा लो 24 घंटे में कभी भी खाने का आइटम है इसमें कभी भी मना नहीं है चौबिहार है तब तो भी आप खा सकते हैं और वो क्या है थोड़ा गम खा लो अरे गम खाओगे ना तो बहुत सारे प्रतिकूल वातावरण से आप बाहर निकलकर आ जाएंगे भोजन के लिए अगला जो मैं चरण आपको कह रहा हूं वो है दोपहर के बाद तो भले ही भोजन करके आराम कर लो पर शाम को भोजन करते तो उसके बाद जरूर टहल लो पर मैं अंतिम अनुरोध अपनी बात को ख़त्म करने से पहले कहना चाहूँगा इस बात के लिए पूरी दुनिया का हर व्यक्ति संकल्पबद्ध हो कि हम अपने भोजन को शाकाहारी भोजन बनाएंगे हम नॉन वेज हम मांसाहारी भोजन का उपयोग नहीं करेंगे हर इंसान अपने आप के लिए संकल्पबद्ध हो जाए जो लोग भी अहिंसा में विश्वास रखते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं जो दैवीय शक्तियों में विश्वास रखते हैं जो ब्रह्मांड की पारलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं उस हर व्यक्ति को मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि वो अपने आप को मोटिवेट कर दे मैं शाकाहार लूँगा हमारा आहार शाकाहार हमारा आहार शाकाहार हमारा आहार शाकाहार अरे जब मिल रही है खाने को गेहूँ की रोटियाँ तो क्यों खाएँ हम जानवरों की बोटियाँ जब मिल रही है, है जब मिल रही है क्या खाने को गेहूं की बाजरे की मक्की की जवार की क्या मिल रही है रोटियां तो क्यों खा रहे हो बेवजह है किसी जानवर की बोटियां मेरे भाई अहिंसा हमें सबसे पहले यही जीवन का पाठ पढ़ाती है मानवता के नाते इंसानियत के नाते हमारे जीवन का इतना तो धर्म होना ही चाहिए कि हम किसी जीव का जिसमें वध होता हो हनन होता हो ऐसा भोजन जिसमें करुण क्रंदन होता हो ऐसा भोजन हम स्वीकार नहीं करेंगे मेरे भाई इंसान का शुद्ध सात्विक भोजन नॉन वेज नहीं इंसान का शुद्ध सात्विक भोजन क्या है शाकाहार है हर इंसान को शाकाहारी होना चाहिए मेरे भाई हमारे देश में जितने महा पुरुष हुए जिनको हम भगवत पुरुष कहते हैं चाहे वे भगवान से राम हो चाहे वो भगवान से कृष्ण हो चाहे वो भगवान से बुद्ध हो चाहे वो भगवान से महावीर हो ये शुद्ध शाकाहारी थे और उन्होंने पूरी मानवता को प्रेरित किया था कि जीवन में कभी भी शाकाहार का इंसान त्याग ना करे और नॉन वेज का सेवन ना करे इन सब महापुरुषों ने हमें यह प्रेरित किया था अरे आज की तारीख में ले लो महात्मा गांधी शाकाहारी थे अरे अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध शाकाहारी थे जॉर्ज बनारसा शाह शाकाहारी थे मेरे भाई फोर्ड कंपनी का मालिक शाकाहारी और 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 प्लूटो शाकाहारी न्यूटन शाकाहारी अमिताभ बच्चन शाकाहारी हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम पूर्णतया शाकाहारी शाकाहार ये मानवीय आहार है मांसाहार कभी मानवीय आहार नहीं हो सकता इसलिए हर व्यक्ति को दया और करुणा से भरकर हर व्यक्ति को करुणा में जीवन का मालिक होने के लिए दुनिया में जितने महापुरुष दया और करुणा से भरे हुए हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए केवल एक काम करो अपने शरीर में पिन भी छोड़ो जेब में पेन है ना पिन तो फिर भी छोड़ो केवल पैन निकाल लो और पैन निकाल कर एक बार अपनी हथेली पर अपनी चमड़ी पर शरीर के किसी भी बाग पर एक बार यूं चुभा दो और थोड़ा जोर से चुभा के देखना क्या होगा क्या होगा क्या होगा मजा आएगा आनंद आएगा मुस्कान आएगी टीस उठेगी एक पेन की निब जब हम चुभाते हैं एक बॉल पेन का आगे का भाग जब हम चुबाते हैं वो भी छोड़ो नाखून तो आपके हाथ में है ना एक काम करो हर व्यक्ति को अगर प्रयोग करना हो कि किसी भी व्यक्ति के वध करने से कितना दर्द होता है उसको अगर ये देखना हो तो कुछ मत कीजिए अपना नाखून लीजिए और नाखून को थोड़ा सा थोड़ा सा एक चुमटी भरो तो भरो भरो सब लोग भरो जो मुझे सुन रहे हैं सब भरो और एक चुमटी भरकर देखो दो नाखून चुभा देखो क्या हो रहा है पीड़ा हो रहा है थोड़ा जोर से चुभ एक नाखून जब हमारे भीतर कराह पैदा करता है पीड़ा पैदा करता है टीस पैदा करता है तो हर इंसान सोचे मेरा आहार कैसा होना चाहिए गर्व था भारत भूमि को महावीर की माता हूं अरे राम कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे और पौरुष जैसे सूर्य वीर को नमन सिकंदर करते थे शुद्ध शाकाहारी थे पौरुष तो पौरुष जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे चौदह वर्षों तक खुंखारी वन में जिसका धाम था अरे मन मंदिर में रहने वाला शाकाहारी राम था चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरो शाकाहार की दिव्य कविता मक्खन चोर मुरारी थे और गोवर्धन पर भारी थे एक अंगुली पर चुटकी अंगुली पर गोवर्धन को उठाने वाले श्री कृष्ण पक्के शाका हारी थे मक्खन चोर मुरारी थे गोवर्धन पर भारी थे मुरली से वश करने वाले गिरधर पक्के शाका हारी थे सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के नानक जैसे महासंत भी पक्के साका हारी थे उठो जरा तुम उठकर देखो गौरव में इतिहास को आगम से गांधी तक भारत इस नीले आकाश को दया की आंखें खोल देख लो कौन सी आंखें दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण क्रंदन को इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है पेट तुम्हारा मुर्दागर है या कोई कब्रिस्तान है आंखें कितनी रोती है जब अंगुली अपनी जलती है आंखें कितनी रोती है जब अंगुली अपनी जलती है सोचो उस तर्पण को जब जिस्मों पर आरी चलती है बेबसता उन पशुओं की देखो बचने का आशार नहीं जीते जीत ना करा जाए उस पीड़ा का कोई पार नहीं खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेना करुणा के वश होकर तुम भी पथ गिरनार का चुन लेना पथ गिरनार का चुन लेना गर्व था भारत भूमि को महावीर की माता हूँ कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा मैंने इसीलिए अनुरोध किया हर व्यक्ति को अपने आहार में एक चीज तो जोड़ कर ही रख लेनी चाहिए और वो है क्या है शाकाहार हमारा आहार शाकाहार मैं चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं ना एक बार अपना हाथ ऊपर करके आंदोलन की भाषा में बोले हमारा आहार शाकाहार हमारा आहार शाकाहार हमारा आहार शाह